पास वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। क्या आपको पता है गर्मियों में हम लोग जैसे सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं बाहर जाते टाइम, बच्चों को भी हमको सनस्क्रीन लोशन लगाना है। क्या आप ये बात जानते हैं? तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि कितना एज से बच्चों को सनस्क्रीन लोशन स्टार्ट करना है लगाना, और कौन सा सनस्क्रीन लोशन आपको चूज़ करना है, कौन सा बेस्ट है आपके बेबीज़ के लिए। मैंने जो लिया है वो बताऊंगी, उसके साथ ही बच्चों को सनस्क्रीन लोशन लगाने के साथ उनके कैसे केयर किया जाए ताकि बच्चों को जो सन का हार्मफुल जो रेज है उससे बचा जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप देख पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देती हूँ, 4 पॉइंट्स है जिससे आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ट सनस्क्रीन लोशन फॉर योर बेबी। तो पहले आप 6 मंथ्स के बाद ही बच्चों को सनस्क्रीन लोशन लगाना स्टार्ट करिए। रूहानी अभी स्कूल जाती है, प्ले स्कूल में है, अभी गर्मी इतना बढ़ गया है, जब भी आती है उसका फेस पूरा रेड रेड हो जाता है। तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि इतना ज़्यादा, मतलब वो रैसेस हो जाता था उसको सन के वजह से। तो वैसे तो स्कूल में वो लोग एसी वैसे स्कूल में सब है, लेकिन जब वो बस में आते हैं तो डायरेक्ट सन अगर नहीं भी उनके ऊपर गिर रहा है, फिर भी क्या होता है, सन का जो हार्मफुल रेज होता है उससे भी रैसेस हो जाता है। तो आपको 6 मंथ्स के बाद से आप बच्चों को सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं। जब भी आप बाहर लेके जा रहे हैं बच्चों को, गार्डन लेके जाएं, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी वेदर तो इतना क्लाउडी है, सन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो रेस है वो क्लाउड जो है ब्लॉक नहीं करता, तो आपको उस टाइम बच्चों को सनस्क्रीन लोशन लगाना है। तो पहले आपको चूज़ कैसे करना है सनस्क्रीन लोशन। फर्स्ट SPF जिसका एटलीस्ट 15 हो वो चूज़ करना है। 30-50 आइडियल है, वो भी चलेगा, लेकिन ट्राई करिए 15 होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है जिसमें आप जो लोशन का जो डब्बा होता है, जो उसके पीछे आप चेक करिए उसका जो लेवल है, उसमें जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड जैसे भी करके उसमें होना चाहिए। ये क्या करता है, जो रैसेस है गर्मियों के वजह से जो रैसेस आ जाता है, अगर आप ये क्रीम भी अप्लाई कर रहे हैं उसके वजह से अगर रैसेस आ रहा है उससे ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद आप देखिए वाटर प्रूफ है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जा रहे हैं, नहीं भी जाते हैं, कहीं बाहर खेलने जाते हैं, पानी से बहुत खेलते हैं, तो इससे क्या होगा, जो पानी से वाटरप्रूफ नहीं होगा तो जितना भी लगा के जाएंगे लोशन वो सब धुल जाएगा, वॉश हो जाएगा, तो इसलिए वाटरप्रूफ होना चाहिए। देन आप देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा है कि नहीं, मतलब UVA, सन का जो UVA और UVB, ये दोनों हार्मफुल रेज से ये बचाता है कि नहीं, तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद आपको सनस्क्रीन लोशन चूज़ करना है। और फ्रेंड्स बिलीव मी, सनस्क्रीन लोशन जैसे भी करके आपके बच्चों को लगाइए, हमारे स्किन को जैसे ये डैमेज करता है, सूरज का किरण जैसा डैमेज करता है बच्चों के स्किन के लिए, तो और भी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उनका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है। अब मैं बताती हूँ मैंने जो लिया, और अगर आप सोच रहे हैं कि नेचुरल सनस्क्रीन लोशन कौन सा है, तो मैं बता दूँ जो कोकोनट ऑयल है उसका SPF 4-5 है, वो भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन लोशन है। जब बच्चों को भेज रहे हैं तो अच्छे से कोकोनट ऑयल से मसाज करिए, ये भी सनस्क्रीन लोशन के हिसाब से काम आता है। तो मैंने ये जो मामा अर्थ, ये तो आप सुने ही होंगे, बच्चों के लिए नोन ब्रांड है, ये बहुत फेमस ब्रांड है बच्चों का प्रोडक्ट के लिए, तो मैंने मामा अर्थ का लिया। मैंने स्टार्टिंग से रूहानी के लिए हिमालय का प्रोडक्ट ही यूज़ किया है, लेकिन इस बार मैंने हिमालय का सोचा था, लेकिन जितना सारा मैंने अभी पॉइंट्स बताया, 4 पॉइंट्स सब ठीक है, लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है हिमालय का, इसीलिए मैंने ये मामा अर्थ का लिया। प्राइस थोड़ा बहुत सेम ही है, इसका प्राइस 299 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये ऑनलाइन डिस्काउंट में मिल गया। और एक बात फ्रेंड्स, जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन देखिएगा यही ब्रांड का, यही जितना इसका ये है 200 या कितना ml है, 100 ml है, यही प्रोडक्ट का 4-5 डिस्प्ले में होगा, तो आप
सोच रहे होंगे यही सेम प्रोडक्ट, लेकिन रेट डिफरेंट है, प्राइस डिफरेंट है। वो इसलिए होता है कि उसका सेलर, तो जिसमें रेटिंग ज़्यादा हो वही वाला ही आप चूज़ करिए, नहीं तो मैं ये लिंक प्रोवाइड कर लूँगी, वही उसी में जाके ही खरीदिए। क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट का क्या होता है, डुप्लीकेट आइटम भी वो लोग सेल करते हैं, वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो जिसका रेटिंग हाई हो और उसी में ही जाके आप कुछ भी, ऐसा नहीं कि ये लोशन कुछ भी, आप ऑयल वॉयल कुछ भी खरीद रहे हैं उसका डुप्लीकेट भी आता है, इसीलिए वो देख के उस हिसाब से आप परचेज़ करिए। तो ये मैंने मामा अर्थ का लिया है। मैंने खुद के लिए एक ब्रांड का ख़रीदा था, नाम नहीं बताऊंगी, अच्छा ब्रांड था, सनस्क्रीन लोशन पिछले साल लिया था, वो इतना चिपचिपा था मुझे लगाने में अच्छा नहीं लगता था। ये लेकिन इतना मतलब नॉन ग्रीजी है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, फेस में इजीली एब्जॉर्ब हो जा रहा है और मिनरल बेस्ड है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन एलर्जिक है, कोई भी इरिटेशन नहीं हो रहा है, और इसका SPF 20+ है। प्राइस भी आप देखोगे बच्चों के लिए प्राइस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे भी मैंने 700-800 रेंज का भी मैंने देखा था। सारा मैंने जो रेटिंग है सब मैंने स्टडी कर लिया, मुझे यही बेस्ट लगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए कौन सा सनस्क्रीन लोशन लें, लें कि नहीं, तो मैं तो बोलूँगी जैसे भी करके लीजिए आप। कुछ नहीं तो दिन में बाहर तो जाते ही होंगे, सुबह तो निकलते ही होंगे, तो बच्चों को जैसे भी करके सनस्क्रीन लोशन लगाइए। अभी तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सनस्क्रीन लोशन अच्छे से लगाइए। उसके बाद खाली सनस्क्रीन लोशन लगाने से नहीं होगा, बच्चों को कैप जो गॉगल्स आता है वो लगाइए अच्छे से, कॉटन। हालांकि गर्मी तो है लेकिन बाहर जाते टाइम आप बच्चों को कॉटन का फुल स्लीव थोड़ा ढीला ढीला वाला पहना सकते हैं, उसके बाद घर आके आप चेंज करा लीजिए। उस टाइप का आप बच्चों को अच्छे से कवर करके, नहीं तो स्कार्फ से कवर करके बाहर लेके जाइए, बाहर लेके जाइए, उसके साथ सनस्क्रीन लोशन भी अप्लाई करिए। तो मेरा मुझे पूछा जाए तो मुझे तो ये बेस्ट लगा, मैंने यूज़ भी किया है अभी 10-12 दिन से, शायद मैंने ये 20 दिन हो गया इसको खरीदा हुआ, 20 दिन से रेगुलर मैं लगाती हूँ। काफ़ी फर्क आया है, पहले जितना रेड रेड होता था छोड़ने के बाद, यहाँ पे जैसा रैसेस टाइप का रह जाता था रूहानी का फेस में, खास करके फेस में, अभी उतना बहुत फर्क आया है। इसके साथ समर में बच्चों को क्या करना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से कैसे कूल करना है, घमोरिया जो आता है उससे कैसे बचना है, उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट डालने वाली हूँ। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।